हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के साइंस में हमने लास्ट में चैप्टर नंबर 1 मोशन कंप्लीट किया था। ये ना चैप्टर नंबर 1 मोशन हमने लास्ट में कंप्लीट किया था। पहले हमने पहले दो चैप्टर किए थे, वो केमिस्ट्री के रिलेटेड थे, जिसमें मैटर था और मैटर प्योर है कि नहीं वो हमने देखा। ठीक है, पहले दो चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के रिलेटेड थे। फिर हमने देखा था चैप्टर नंबर 8 मोशन, जो फिजिक्स के रिलेटेड था, है ना। तो केमिस्ट्री के दो चैप्टर और फिजिक्स का एक चैप्टर तो हमारा ऑलरेडी हो रखा है। तो अब हम जाते हैं बायोलॉजी की तरफ। कहाँ पे जाते हैं हम बायोलॉजी की तरफ। तो बायोलॉजी में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो जिंदा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो जिंदा है, जैसे कि प्लांट्स है, ट्रीज है, ठीक है, अलग अलग बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है, रेप्टाइल्स है, ह्यूमन्स है, ये सब सबका कॉमन है। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, किसी की भी चीज की, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जिसकी ह्यूमन्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, सिंगल सेल मोलिक्यूल्स, कोई भी हो, ठीक है, उन सबको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनकी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट कौन सा है, ठीक है, वो पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, वो पहले एक के बाद एक स्टेप के बाय स्टेप देखते जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने फोर्क, मतलब कि आपको पता है कि जो ट्री की बार्क होती है ना, की जो बार्क होती है उसमें से गोल गोल बनाते हैं, लकड़ी जैसा होता है, उसे बोलते हैं कोर्क। ठीक है, तो उसने क्या किया, कोर्क को ओपन करके उसमें से एक छोटा सा स्लाइस जैसा टुकड़ा लिया, कोर्क को तोड़ के उसमें से एक छोटा सा साइज स्लाइस जैसा टुकड़ा लिया। ठीक है, और उसने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, तब तो अब जो हमें माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी में दिखने को मिलते हैं तब वो माइक्रोस्कोप नहीं थे। ठीक है, माइक्रोस्कोप पूरा क्या होता है वो भी किसी को नहीं पता था। तो रॉबर्ट हुक ने अपना सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, अपना खुद का उसने डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप था, उसकी मदद से उसने कोर्क का ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, कोर्क का उसने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। कोर्क का उसने ऑब्जर्वेशन किया ना, तो उसे कोर्क में छोटे 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 हनीकॉम्ब जैसा दिखा। हनीकॉम्ब मधुपुर आपको पता है कैसा होता है, गोल 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 जाली 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 जैसा होता है। तो कोर्क का उसने ऑब्जर्वेशन किया ना, उसमें भी उसे हनीकॉम्ब जैसा दिखा। क्या दिखा उसे, हनीकॉम्ब जैसा दिखा। ठीक है, और जो छोटे छोटे टुकड़े जिसकी मदद से ये पूरा हनीकॉम्ब बना था, वो छोटे छोटे टुकड़ों को उसने नाम दिया सेल। कौन सा नाम दिया, सेल। वो छोटे छोटे टुकड़ों को उसने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ठीक है, सेल वो लैटिन वर्ड है, सेल क्या है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा सा रूम। सेल का मतलब क्या होता है, छोटा सा रूम, उसको वो लैटिन वर्ड है लिटिल रूम। तो उसे कोर्क में ऐसे छोटे 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 रूम के जैसे जैसे अलग स्ट्रक्चर देखा, जिसे उसने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। तभी से ये चीज के लिए ये सेल नाम आज तक बायोलॉजी में हम अभी तक यूज करते हैं। किसके किसने दिया है वो नाम, रॉबर्ट हुक, किसने दिया है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, उसके बाद उसने वो सब कुछ देखा, सबको बताया, फिर उसके ऊपर आगे आगे क्या होने लगे, रिसर्च होने लगे, अलग अलग उसके ऊपर क्या होने लगे, रिसर्च होने लगे। ठीक है, सबसे पहले ही किसने देखा था, रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम भी एक एक्टिविटी करेंगे, हम भी एक एक्टिविटी हम यहाँ पे समझेंगे कि ये सेल क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओनियन बल्ब लेना है। ओनियन बल्ब मतलब ओनियन, आपने देखा है ना, अलग 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 उसके लेयर होते हैं, वो एक लेयर मतलब कि एक ओनियन का बल्ब। ठीक है, तो ये ओनियन का जो बल्ब है उसमें अंदर की पार्ट में आप देखोगे, अंदर की पार्ट में आप उसे हम छीलोगे ना, अंदर के पार्ट को, ये जो बल्ब होता है ओनियन की, ये जो लेयर होता है उसके अंदर के पार्ट को आप छीलोगे तो पतला सा पानी जैसे कलर का आपको लेयर निकलता हुआ देखोगे। ठीक है, उसे बोलते हैं ओनियन पील। ओनियन पील जो आपका जो पूरा एक लेयर बनता है वो ओनियन पील है, पूरा ओनियन मतलब कि ओनियन बल्ब। ठीक है, फिर ओनियन के आपके जो लेयर लेयर होते हैं, दैट इज ओनियन पील। तो ओनियन पील में से आपको अंदर के भाग में से, देखो पील के बाहर के भाग में से नहीं, पील के अंदर के भाग में से आप पानी जैसे कलर का एक पतला सा लेयर जैसा निकालोगे, जिसे बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस।
वो एपिडर्मिस को आपको क्या करना है, आपके लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप तो होगा, तो माइक्रोस्कोप में गोज ग्लास होगा, वो गोज ग्लास में पानी पानी डालो और पानी पे वो एपिडर्मिस रखो। एपिडर्मिस को बिना पानी के नहीं रखना है, वरना वो क्या हो जाएगा, वो ऐसे गुजरा जैसा बन जाएगा, ठीक है, और वेपर वो पानी है वो उसमें से निकल जाएगा तो वो एकदम ड्राई बन जाएगा, ऐसा ना हो, इसीलिए एपिडर्मिस को पहले कहाँ पे रखना है, गोज ग्लास में पानी में रखो, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप की स्लाइड को रेडी करो, वो एपिडर्मिस को धीरे से लेके माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे रखो, धीरे से एपिडर्मिस को वॉच ग्लास में से उठा के कहाँ पे रखना है, स्लाइड पे रखना, ठीक है। स्लाइड के ऊपर पानी के दो तीन ड्रॉप डाल दो, ठीक है, क्या डाल दोगे, पानी के दो तीन ड्रॉप डाल दोगे, उसके ऊपर दूसरा स्लाइड उसे बंद कर दो, एक स्लाइड में आपने एपिडर्मिस रखा है, दो तीन पानी के ड्रॉप डाले हैं, उसी स्लाइड को फिर क्या कर दोगे आप, दूसरी स्लाइड से बंद कर दो। स्लाइड बंद करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई सी भी हवा ना रह जाए, एयर बबल्स ना रह जाए। फिर माइक्रोस्कोप आप हाई पावर से आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो आपको ओनियन में थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा, इस तरह का मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना रही हूँ, ठीक है। 1839 में परकिंजे नाम के साइंटिस्ट
पर्किन जे नाम के साइंटिस्ट ने सेल के अंदर एक लिक्विड देखा, लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर एक फ्लूइड मतलब की लिक्विड जैसा देखा, जिसे उसने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। क्या दिया उसने? प्रोटोप्लाज्म। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था? सेल के अंदर न्यूक्लियस देखा था। और पर्किन जे ने क्या देखा? सेल के अंदर एक फ्लूइड मतलब की लिक्विड जैसा मटेरियल देखा, जिसे उसने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। तो ये सेल के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही सेल के अंदर होते हैं। फ्लूइड भी होता है और फ्लूइड में बीच में न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और फ्लूइड लाइक मटेरियल 1839 में पर्किन जे नाम के साइंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद दो साइंटिस्ट, स्टीडन इन 1838 एंड स्कूमैन इन 1839, ठीक है। स्टीडन इन 1838 एंड स्कॉन इन 1839, ये दोनों नाम के साइंटिस्ट ने, ये दो साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी रिप्रेजेंट की। अपनी क्या थी? सेल थ्योरी। वो सेल थ्योरी में उसने क्या बोला कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स, देखो ह्यूमन भी एक एनिमल ही है, हाँ, कोई भी बर्ड हो, एनिमल हो, प्लांट हो, सभी चीजें वो सेल से बनी है। मतलब कि कोई भी लिविंग थिंग का बेस स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट होता है? सेल्स। जैसे कि अगर हम घर बनाए तो पहले नीचे क्या बनाएंगे? पाया बोलते हैं जिसे, वो लगाएंगे, उसके ऊपर ब्रिक, एक 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 ब्रिक रख के पूरी दीवार बनाएंगे। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो बिल्डिंग बनी है उसका स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रिक। क्या है स्ट्रक्चरल थिंग? क्या है? ब्रिक। वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स में स्ट्रक्चरल थिंग क्या है? सेल। आ गया समझ में, ठीक है। तो स्टीडन इन 1838 एंड स्वान इन 1839 दोनों ने अपनी सेल थ्योरी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट किया? कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, वो सेल्स में से बने हैं। एंड सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोई भी लाइफ का बेसिक यूनिट। बॉडी में कोई भी रिएक्शन होना स्टार्ट होता है सेल्स, क्योंकि सेल है वो बेसिक है, वो फिर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। सेल में से अलग अलग ऑर्गेन्स बनेंगे, ऑर्गेन्स है ना हमारी बॉडी, जैसे कि हार्ट है, लीवर है, स्टमक है, वो किस में से बन गए? बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होके ये सारे ऑर्गेन्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी है उनकी कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप और आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, एंड सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद वर्को, उसके बाद क्या आता है? वर्को इन 1855 एक्सपांडेड सेल थ्योरी दी उसने। इन दोनों ने अपनी सिर्फ सिंपल सेल थ्योरी दी थी, उसे एक्सपांड किया, वो सेल थ्योरी को एक्सपांड किया, किसने? वर्को इन 1855। उसने एक्सपांडेड सेल थ्योरी क्या दी? कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नए सेल्स हमारी बॉडी में कंटिन्यू बनते रहे और जो पुराने सेल है उसकी डेथ होती जाए। जैसे कि इंसान बहुत बड़ी एज के बाद मर जाता है, ठीक है, और नया इंसान जन्म लेता है, वैसे ठीक है हमारी बॉडी में भी कंटिन्यूअसली जो ओल्ड सेल्स थे उनकी डेथ होती रहेगी और नए सेल्स बनते रहेंगे। तो जो नए सेल्स है वो कहाँ से आएंगे? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। कोई नया सेल अपने आप प्रोड्यूस नहीं होता, वो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल था वो सेल डिवाइड होता है, एक सेल होता है वो डिवाइड होके दो टुकड़ों में बट जाएगा, वो दोनों टुकड़े अपने खुद के सेल होंगे। आ गया समझ में? तो प्री एग्जिस्टिंग मतलब कि जो पहले से सेल था वो डिवाइड होके नए नए सेल प्रोड्यूस करते, ठीक है। तो सेल्स आर अराइज फ्रॉम ऑल एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो पहले से ही जो एग्जिस्ट करते थे उसी सेल में से नए सेल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद 1914 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तब समझ में आया कि सेल के अंदर भी अलग अलग कुछ होता है, सेल के अंदर भी अलग अलग कुछ होता है। कब? 1914 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जो सबसे छोटी छोटी चीजों को भी देख सकता है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तब सबसे छोटी छोटी मतलब कि ये सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से और यहाँ पे इंक्लूड माइक्रोस्कोप से सेल को तो देख लिया, बट सेल के अंदर क्या था वो नहीं देख पाए। वो कब देख पाए? 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से, 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से देखा गया कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? जैसे कि हमारी बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स होंगे जिसे हम ऑर्गेन्स बोलते हैं, जैसे कि फूड को डाइजेस्ट
डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक होता है, ठीक है। फिर इनहेल और एक्सहेल मतलब कि रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं ना, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हार्ट होता है, कुछ भी लिखने या काम करने के लिए हैंड्स होते हैं, चलने के लिए लेग्स होते हैं ना, देखने के लिए आईज होती है। तो हमारी बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेन्स है, तो वैसे भी सेल में भी अलग अलग फंक्शंस करने के लिए सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी के पार्ट्स को हम ऑर्गेन्स बोलते हैं, वैसे सेल के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसे नाम दिया जाता है ऑर्गेनेल्स। क्या नाम दिया जाता है? ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो अलग अलग सेल के जो फंक्शंस है, अलग अलग काम है सेल के, उसे परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल के पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेल्स। क्या बोलेंगे उसे? सेल ऑर्गेनेल्स। अब यह समझ में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि परकिंचे में ये, हाँ ये ह्यूमन हॉक नाम के साइंटिस्ट ने ऑन वॉटर में फ्री लिविंग सेल्स को देखा। फ्री लिविंग सेल मतलब कि सेल अकेले से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं थे। तो ये जो अकेले सेल थे वो अपना एक पूरा बॉडी ही है, जैसे कि हमारा बॉडी है, तो हमारी बॉडी में तो आप गिन ना पाओगे उतने सेल होंगे, ठीक है। मतलब कि हमारी बॉडी के जो सेल है वो अकेले अलग नहीं रह पाते, वो ऐसे जॉइंट एक दूसरे से होंगे, ठीक है। बट कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जो एक ही सेल के बने हुए है, उनकी बॉडी में दूसरा सेल ही नहीं होता, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उसे बोलेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब वन, ठीक है। तो जो एक सेल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे आप बोल सकते हो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंगल सेल या तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, उसके नाम यहाँ पे दिए। थोड़े बहुत ऑर्गेनिजम्स के क्या दिए हैं नाम, जैसे कि अमीबा, वो सिंगल एक ही सेल का होता है, और अमीबा तो अपना शेप अपने आप बदल सकता है, हमें हमारी बॉडी का शेप बदल सकते हैं। चलो मैंने सोचा कि ये हाथ का मुझे शेप बदल देना है, तो बदल जाएगा, नहीं बदल पाएगा ना, ठीक है। बट अमीबा एक ऐसा है, सिंगल यूनिसेल्युलर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। दूसरा है क्लैमिडोमोनास, देखो ये सारे नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ अमीबा चेंज कर सकता है, ठीक है। बाकी के ये जो है क्लैमिडोमोनास, पेरामीशियम, बैक्टीरिया है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्लैमिडोमोनास, पेरामीशियम, बैक्टीरिया वो अपना सेल चेंज नहीं कर सकते, उसका फिक्स सेल होता है। क्या होता है? उन लोगों का फिक्स्ड सेल होता है, और अमीबा है वो अपना सेल चेंज कर सकता है। तो फूड खाना, फूड को डाइजेस्ट करना, फिर उसमें से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, सारा काम एक ही सेल के अंदर हो जाए। हमारी बॉडी में तो ये सारे काम करने के लिए कितने कितने ऑर्गेन्स होते हैं ना, ठीक है। फूड खाने के लिए माउथ होता है, उसे स्टमक तक ले जाने के लिए फूड पाइप होता है, वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक होता है, और ज्यादा डाइजेस्ट करने के लिए लीवर, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन होता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एनस होता है, कितने ऑर्गेन्स होते हैं ना, ठीक है। तो ये सिंगल सेल मतलब कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही सेल के अंदर सारा काम होता है बॉडी का। आगे समझ में, ठीक है। उसके बाद है मल्टी सेल्युलर, उसमें कम फॉर्म ऑफ सिंगल सेल। मल्टी सेल्युलर मतलब कि आपको आपके आसपास में जो कुछ भी देखेगा वो सब मल्टी सेल्युलर है, आप खुद मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, क्योंकि आपकी बॉडी सिंगल सेल से नहीं बन सकती। तो प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ये सारे क्या है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। फिर फंगाई आपने देखा है, ब्रेड के ऊपर जो फंगाई बनता है वो भी मल्टी सेल्युलर है। वायरस भी मल्टी सेल्युलर है, ठीक है। अभी चल रहा है ना कोरोना वायरस, तो ये वायरस भी मल्टी सेल्युलर है, ठीक है। तो ये सारे मल्टी सेल्युलर है, वो मल्टी सेल्युलर आएंगे कहाँ से? सिंगल सेल से। कहाँ से आएंगे? अराइज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक ही सेल में से आते हैं, सिंगल सेल में से आते हैं। क्या होता है? एक सेल था, वो ब्रेक होके दो टुकड़ों में डिवाइड होते हैं, तो वो दो सेल बन गए। दोनों सेल में सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, एक सेल में जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल क्या है वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है ना वो सारे डिवाइड हो गए, और नए दो सेल बनेंगे। वो दो सेल फिर से डिवाइड होंगे तो दो में से चार हो जाएंगे, चार फिर से डिवाइड
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सेल ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। आया? मैंने जो यहाँ पे समझाया था वो ही। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेन्स। वैसे ही सेल में अलग अलग स्पेशल फंक्शन है, उसे परफॉर्म करने के लिए क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, ये ऑर्गेनेल कौन सा ऑर्गेनेल क्या परफॉर्म करता है वो इसी चैप्टर में आगे हम देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कौन सा स्पेशल फंक्शन है और क्या होए। ठीक है, वो आपको आगे ही इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना याद रखो कि सेल में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, अब ऑल सेल्स हैव सेम ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सारे आप एनिमल सेल देखो, प्लांट का सेल नहीं बोल रही हूँ, प्लांट का सेल और एनिमल सेल अलग होगा। एनिमल सेल का मतलब उसमें बर्ड्स के भी आ जाएंगे, अलग अलग एनिमल्स के भी आ जाएंगे, ह्यूमन का भी आ जाएगा और इंसेक्ट का भी आ जाएगा, ये सारे आ गए एनिमल सेल। ठीक है, तो आप इसी में भी इन सबका अलग अलग सेल देखो ना, तो सारे सेल आपको एक जैसे दिखेंगे। सारे सेल आपको कैसे दिखेंगे? एक जैसे, मतलब कि सेल के ऑर्गेनेल सेम होते हैं, ऑल सेल्स हैव सेम ऑर्गेनेल। हाँ, अगर प्लांट का सेल है तो वो अलग होगा, प्लांट और एनिमल का सेम नहीं होता, क्योंकि दोनों के फंक्शन अलग है ना। प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन निकालता है। जब हम क्या करते हैं? फूड खुद प्रिपेयर करते हैं? नहीं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जबकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन निकालते हैं, तो फंक्शन अलग अलग हो गए, तो उसके सेल भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो सारे प्लांट, कोई भी प्लांट ले, सभी प्लांट के सेल्स के ऑर्गेनेल्स वो सेम होंगे। सारे एनिमल सेल, कोई भी एनिमल, फिर उसमें इंसेक्ट भी आ गया, रेप्टाइल्स भी आ गया, एनिमल्स भी आ गया, बर्ड्स भी आ गया, ह्यूमन बीइंग्स भी आ गया। इन सबके आप सेल देखोगे ना, तो सबके सेल में आपको सेम ऑर्गेनेल मिलेगा। क्या मिलेगा? सेम ऑर्गेनेल। ठीक है, उसके बाद फीचर्स ऑफ सेल, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। फीचर्स, हमारा जो सेल है वो मेनली थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, मेनली मेन थ्री पार्ट बोल रही है। ठीक है, हमारा जो सेल होता है किसी में, प्लांट सेल या तो एनिमल सेल, प्लांट सेल या तो एनिमल सेल, कुछ भी देखो आप, सारे सेल है वो मेनली थ्री पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसे बोलते हैं फीचर्स ऑफ सेल। वो तीन होते हैं, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस एंड तीसरा साइटोप्लाज्म। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस एंड तीसरा साइटोप्लाज्म, वो क्या है वो आगे आप पढ़ो। ठीक है, अभी सिर्फ नाम लिखो। उसमें सबसे पहला हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपकी बॉडी के ऊपर क्या है? स्किन है। ठीक है, स्किन की मदद से आपकी बॉडी एटमोस्फियर से कांटेक्ट में रहती है और एटमोस्फियर से अलग होती है। आपकी बॉडी में स्किन नहीं होती तो क्या होता? अलग अलग जो मसल्स है वो एटमोस्फियर के साथ मिक्स हो जाते ना। ठीक है, तो ऐसे सेल को भी दूसरे सेल से अलग रखने के लिए, या तो बॉडी के दूसरी अलग चीजों से अलग रखने के लिए, उसके ऊपर, सेल के ऊपर एक लेयर होगा, वो लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि हमारी बॉडी में स्किन होती है, ठीक है, वैसे सेल के ऊपर भी एक लेयर होगा, वो लेयर को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है उसका नाम, दूसरा नाम है, और जो बनता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स में। प्लाज्मा सेल किससे बनी होगी? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी होगी। किससे बनी होगी? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। याद रखना, वन मार्क में पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो किससे बनी है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी है। किससे बनी है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। ठीक है, अब उसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? सिलेक्टिव मतलब कुछ चीजों को लेके जाना, कुछ चीजों को नहीं लेके जाना। परमिएबल मतलब कि अपने अंदर अंदर बाहर आने जाने दे। ये पूरा सेल है पैक है। ठीक है, ऊपर का लेयर है परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बाहर की चीजें अंदर जा सके और अंदर की चीजें बाहर आ सके, ये काम किसका है? परमिएबल मेम्ब्रेन का। किसका काम है? परमिएबल मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो अंदर से कुछ चीज बाहर आएगी तो कौन सी चीजें आएगी, बाहर से अंदर जाएगी तो कौन सी चीजें जाएगी, ये सिलेक्टिव है। ठीक है, सभी चीजें अंदर बाहर नहीं हो सकती।
ठीक है, तो किसी को परमिट करता है किसी को नहीं करता, सिलेक्ट करके परमिट करता है, इसीलिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? ठीक है, वो क्या परमिट करता है क्या नहीं करता है वो हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर। ठीक है, उसके बाद डिफ्यूजन क्या है। अब हमने देखा है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सारे सेल्स को मिले, हमारी बॉडी में यहाँ से स्टार्ट करते नीचे टो तक, पैर के टो तक सारी बॉडी में जितने भी सेल्स है वो सारे सेल को ये ऑक्सीजन मिले। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो पहले हम बाहर से लेते हैं ना, तो सेल के अंदर जाएगा तो कहाँ से जाएगा, परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सेल के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वो सेल में से बाहर निकालना पड़ेगा तभी तो हमारी नोस्ट्रिल में से बाहर निकलेगा ना। ठीक है, तो ये जो गैस को अंदर बाहर ले जाते हैं, ऑक्सीजन गैस को अंदर ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सेल से बाहर निकालना, सेल के अंदर ले जाना ऑक्सीजन गैस को और सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं उसे, डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज है, गैस का एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद है ऑस्मोसिस। अब हम पानी पीते हैं तो वो पानी भी सेल को मिलना चाहिए ना, तभी तो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, पानी के बिना वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो पानी अंदर जाना बाहर आना, दैट प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। गैसियस एक्सचेंज को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, और वॉटर एक्सचेंज को क्या बोलेंगे, वॉटर मूवमेंट को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। वॉटर मूवमेंट मतलब कि वॉटर अंदर बाहर होना, उसे क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, जब भी सेल का बाहरी कवरेज, हमारी बॉडी में सेल के बाहर का भी कुछ एरिया होगा ना, ठीक है, तो सेल के अंदर अगर वॉटर ज्यादा है और बाहर के एरिया में वॉटर कम है, सेल के अंदर वॉटर ज्यादा है और बाहर के एरिया में वॉटर कम है, तो वॉटर अंदर से बाहर आए, मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाए, समझ में आ रहा है। जहां पे वॉटर ज्यादा होगा उसे बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन, और जहां पे वॉटर कम होगा उसे बोलेंगे लो कंसंट्रेशन। तो वॉटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, मतलब कि अगर सेल के अंदर वॉटर ज्यादा है और सेल के बाहर कम है, तो सेल के अंदर ज्यादा था वहां से वो वॉटर बाहर आएगा, और दोनों तरफ वॉटर का लेवल सेम हो जाए तब तक ये प्रोसेस चालू रहेगा, तब तक ये प्रोसेस चालू रहेगी। अब अगर सेल के अंदर वॉटर कम है और बाहर के भाग में वॉटर ज्यादा है, सेल के अंदर वॉटर कम है और बाहर के भाग में वॉटर ज्यादा है, तो वॉटर बाहर से अंदर जाएगा। आ रहा है समझ में, अगर अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो अंदर से बाहर आएगा, और अगर अंदर कम है बाहर ज्यादा है तो बाहर से अंदर जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपने शुगर सॉल्यूशन लिया, पर आपने क्या किया कि पूरा एक ग्लास एक पानी लिया, उसमें सिर्फ चार आधा चम्मच शुगर को आपने डिसॉल्व किया। ठीक है, ग्लास एक वॉटर में सिर्फ आधा चम्मच वॉटर को शुगर को आपने डिसॉल्व किया। अब इस शुगर के अंदर अगर सेल को डाला जाए, ये शुगर का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम। सॉल्वेंट क्या है वो सबको पता है, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया। ठीक है, मतलब कि सॉल्वेंट मतलब कि वॉटर ज्यादा है और सॉल्यूट मतलब कि शुगर बहुत कम है, इसे बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का दूसरा नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन में अगर आप सेल को डालोगे तो उसका मतलब ये हुआ कि बाहर वॉटर ज्यादा है और अंदर कम है, तो वॉटर कहां से कहां जाएगा, अंदर से बाहर से अंदर। वॉटर बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो वॉटर बाहर से अंदर जाएगा। तो वॉटर का एक्सचेंज दोनों तरफ होगा, बट अंदर कम है बाहर ज्यादा है, तो बाहर से अंदर जाने की जो रेट है वो ज्यादा होगा और अंदर से बाहर आने का रेट बहुत कम होगा। ठीक है, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि दोनों तरफ अंदर बाहर वॉटर सेम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, आपने ऐसा सॉल्यूशन लिया है कि जिसकी वजह से सेल के अंदर और बाहर दोनों में वॉटर का कंसंट्रेशन सेम है। आपने ऐसा सॉल्यूशन लिया कि जिसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ वॉटर का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, तो उस टाइप के सेम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें भी वॉटर दोनों तरफ पास होगा पर दोनों तरफ रेट सेम होगा,
अंदर से बाहर और बाहर से अंदर दोनों तरफ ब्रेक कैसा होगा? सेम होगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वॉटर का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर तीसरा है, अगर आप एकदम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे, मतलब कि आपने एक ग्लास पानी लिया और उसके अंदर आपने 7/8 चम्मच शुगर डाल दिया, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। कैसा बन गया? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्वेंट मतलब कि वॉटर कम है और सॉल्यूट मतलब कि शुगर ज्यादा। ऐसा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसके पास बाहर वॉटर कम होता है जबकि सेल के अंदर वॉटर ज्यादा होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब कि बाहर वॉटर कम है और सेल के अंदर वॉटर ज्यादा है। तो वॉटर अंदर से बाहर ज्यादा आएगा और बाहर से अंदर बहुत कम जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि दोनों तरफ वॉटर सेम हो जाएगा। आ गया सबको समझ में? ठीक है। अगर डाइल्यूट है तो बाहर से सेल के अंदर जाएगा, अगर सेम है तो दोनों तरफ ब्रेक सेम होगा, और अगर कंसंट्रेटेड मतलब कि हाइपरटोनिक है तो वॉटर अंदर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जब वॉटर सेल के अंदर जाएगा, समझो जब वॉटर बाहर से सेल के अंदर जाएगा मतलब कि हाइपोटोनिक, तब सेल स्वेल होगा। जैसे कि आप बलून के अंदर पानी भरो तो बलून कैसे स्वेल होता है, वैसे ही सेल क्या होगा? स्वेल होगा, ठीक है। बट ये स्वेल होकर टूट नहीं जाता, वो देखने का काम किसका है? मेम्ब्रेन का। वो देखने का काम किसका है? मेम्ब्रेन का, क्लियर, ठीक है। और जब वॉटर सेल के अंदर से बाहर निकलेगा मतलब कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब वॉटर सेल से बाहर निकलेगा तब वॉटर सेल श्रिंक होगा मतलब कि छोटा होता जाएगा। आ गया सबको समझ में इतना? ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है वो हमने देखेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में। इतना सबको लिखना है, लिख लो, मैं बाद साइड में आ जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर पोस्ट करके लिख लो। हो गया सबका? ठीक है, अब यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।